नमस्कार, स्किन डिसीजेस में आज मैं आप लोगों के साथ सफ़ेद दाग को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत ही आसान और 100% इफ़ेक्टिव होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, कई सारे लोग सफ़ेद दाग या जिसे विटिलिगो या लिकोडर्मा की समस्या कहते हैं, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इस स्किन डिसऑर्डर से परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और कई सारे लोग जो है ये उनके मन में सवाल होता है कि सफ़ेद दाग ये जो स्किन डिसऑर्डर है ये पूरी तरह से ठीक होगा भी या नहीं, इसका संभव इलाज है भी या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सफ़ेद दाग का 100% संभव इलाज आयुर्वेद में हो सकता है। और फ्रेंड्स, कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सफ़ेद दाग जो है ये छूत की बीमारी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सफ़ेद दाग या विटिलिगो जो है ये बीमारी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया फ्रेंड्स, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो अगेंस्ट में काम करने लगती है, जिसकी वजह से ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपको हो जाता है। और हमारे स्किन का जो कलर होता है वो मेलानिन सेल्स पर डिपेंड होता है। मेलानिन सेल्स अगर कम होते जाते हैं, मेलानिन सेल्स का प्रोडक्शन अगर कम होता है स्किन में, तो हमारे स्किन का कलर लाइट होता जाता है। और मेलानिन सेल्स का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है, हाई होता है, तो हमारे स्किन का जो कलर है वो उतना डार्क होता है। तो जब हमारे स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता जाता है, तो उस जगह पर जो है स्किन लाइट होती जाती है और सफ़ेद रंग के धब्बे वहाँ पर आ जाते हैं, और इसे सफ़ेद दाग या विटिलिगो स्किन डिसऑर्डर से जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, 100% ये उपाय वर्क करता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। आपको 15 दिन से एक महीने में ही जो है इसके बेस्ट रिजल्ट्स सफ़ेद दाग या विटिलिगो की समस्या में एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। सफ़ेद दाग, विटिलिगो या किसी भी स्किन डिसीज़ या स्किन डिसऑर्डर को जल्द से जल्द जड़ से ख़त्म करने में बथुआ वनस्पति बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती है। विलेज में अगर आप जाते हैं, गांव में जो है बथुआ वनस्पति बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में देखने मिलती है। अगर आप सिटी में रहते हैं, तो अगर आप मार्केट में जाते हैं, तो स्पेशली अभी ये जो विंटर का मौसम आने वाला है, विंटर के सीज़न में जो है बथुआ सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा मार्केट में देखी जाती है। सफ़ेद दाग की समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा बथुआ वनस्पति का आपको सेवन करना है। बथुआ की जो सब्ज़ी है इसे आप साग के रूप में खा सकते हैं, इसकी सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं, इसके पराठे बनाकर खा सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं, इसकी चटनी बनाकर आप खा सकते हैं। किसी भी तरीके से आप बथुआ वनस्पति जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। इसे आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। हफ्ते में 3 से 4 दिन अगर आप बथुआ को अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो आपकी जो सफ़ेद दाग की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये जो बथुआ वनस्पति है फ्रेंड्स, ये पेट के कीड़े को ख़त्म करने के लिए, खून को साफ करने में, महिलाओं में जो अनियमित पीरियड्स की समस्या होती है, यानी कि महिलाओं को समय पर पीरियड्स नहीं आता है, तो इस समस्या को भी दूर करने में बथुआ वनस्पति बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कई सारे लोगों को पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर आती है, तो इस बीमारी का भी उपाय बथुआ वनस्पति है। दांत में दर्द होने की जो समस्या होती है, इसमें राहत दिलाने में भी बथुआ वनस्पति बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। पथरी यानी कि किडनी स्टोन का भी इलाज इस बथुआ वनस्पति से किया जाता है। पेट के कीड़े का इलाज, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेट संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने में बथुआ वनस्पति बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपका पेट साफ रहता है, अगर आपका खून साफ है, तो आपकी जो सफ़ेद दाग की समस्या है वो जल्द से जल्द जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको बथुआ की जो सब्ज़ी है इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना। अगर आप बथुआ की सब्ज़ी या साग बना रहे हैं, तो आप रोज़ाना इसे चावल के साथ या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। रोटी आप गेहूं की रोटी खा सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वार की रोटी या बेसन की रोटी का प्रयोग करें, जो सफ़ेद दाग की समस्या में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती है एज़ कम्पेयर टू गेहूं की रोटी। तो आप बथुआ के साग या सब्ज़ी के साथ इस तरह से ज्वार की रोटी या बेसन की रोटी खा सकते हैं। अगर आप जूस पी रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बथुआ वनस्पति जो होती है इसके पत्तों को पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। एक मिक्सर पॉट में आपको इन पत्तों को डालना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे बारीक पीस लेना है, और इस जूस को आपको रोज़ाना सुबह और शाम पीना है। एक एक गिलास अगर आप जूस पीते हैं, तो ये भी जो है सफ़ेद दाग को जड़ से ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा आप बथुआ के पराठे बनाकर खा सकते हैं। बथुआ के जो पराठे हैं, ये आप गेहूं के आटे में या बेसन में या फिर ज्वार के आटे में
किसी भी प्रकार का जो आटा होता है, मल्टीग्रेन आटे में भी आप इस तरह से जो बथुआ के पराठे हैं इन्हें बनाकर खा सकते हैं। आप घी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद दाग की समस्या में घी का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन आपको दूध को फाड़कर बनाई हुई चीज़ें सफ़ेद दाग की समस्या में बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना है। आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दूध से बने हुए जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि पनीर है, दही है, कलाकंद है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आपको मछली का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। वो किसी भी प्रकार की मछली हो, आपको बिल्कुल भी मछली का सेवन नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स मछली का अगर आप इंटेक करते हैं तो सफ़ेद दाग की समस्या को तेज़ी से बढ़ाने में जो है मछली बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको किसी भी प्रकार के मछली का सेवन नहीं करना है। अपनी डाइट से आपको मछली को पूरी तरह से हटा देना है। मछली में जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, जो कि है ओमेगा 3 फैटी एसिड। लेकिन फ्रेंड्स ये जो दोनों ही चीज़ें हैं आपको मछली के अलावा अलसी से भी मिल सकती है, जिसे फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। तो आप अपनी डाइट में अलसी को शामिल कर सकते हैं। अलसी की आप चटनी बनाकर खा सकते हैं। अलसी को जो है आप आपके घर में जो रोटी के लिए आटा बनता है उसमें आप अलसी डालकर अगर उस आटे को पिसाते हैं तो भी जो है आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा को पूरा करने में जो है अलसी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो मछली को पूरी तरह से स्किप करके आप अलसी को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैंने आपको जो भी सारी चीज़ें बताई है इन चीज़ों को आप अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और बथुआ को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी जो सफ़ेद दाग की समस्या है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी और कुछ ही दिनों में सफ़ेद दाग की समस्या जड़ से ख़त्म करने में बथुआ वनस्पति जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती हुई आपको नज़र आएगी। इसके अलावा बथुआ ऑयल को बनाने की विधि भी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो में अपलोड की है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। बथुआ ऑयल भी जो है फ्रेंड्स सफ़ेद दागों पर अगर आप उसे लगाते हैं तो सफ़ेद दाग को जड़ से ख़त्म करने में बथुआ ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है। इसी तरह की सिंपल एंड 100% इफेक्टिव स्किन डिसऑर्डर स्किन डिसीजेस रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्थी लाइफ गोल्स।